स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। मैं सिद्धांत सागर वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर आप लोगों का स्वागत करता हूं फिर से। ये वीडियो एक बहुत प्रतीक्षित या बहु प्रतीक्षित वीडियो है जिसके बारे में कई मित्रों ने मुझे सजेस्ट किया था, रिक्वेस्ट की थी, सलाह दी थी कि अष्टक वर्ग के बारे में आप वीडियो बनाइए और अष्टक वर्ग के बारे में कुछ हमें बताइए। तो अष्टक वर्ग पे मैं कुल 8 वीडियो शायद बनाऊंगा, 1 से लेके 8 तक। ये पहला वीडियो है। और अष्टक वर्ग क्या है, अष्टक वर्ग किस ग्रह को कितने बिंदु मिलते हैं या रेखाएं मिलती हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग बताते हैं, मतलब कोई रेखा के हिसाब से गिनता है, कोई बिंदु के हिसाब से गिनता है। तो ये कैसे मिलते हैं, अष्टक वर्ग बनता कैसे है, सूर्याष्टक वर्ग से लेकर शनि अष्टक वर्ग तक मैं और लग्नाष्टक वर्ग तक बताऊंगा और तफसील से बताऊंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अष्टक वर्ग निकालना सीख जाएंगे आप, मतलब मैं जब बताऊंगा तो पूरे तरीके से बताऊंगा, इसमें कुछ भी हाइड नहीं होगा जहां तक मुझे जानकारी है। इससे ज्यादा अगर किसी को जानकारी होगी तो वो शेयर कर सकता है अपनी अपने हिसाब से। तो यहां अब आप समझिए कुछ बातें, यहां मैं लिख भी दे रहा हूं आपकी सुविधा के लिए ताकि आप समझें। अष्टक वर्ग सिस्टम में भिन्नाष्टक वर्ग में हर ग्रह को ज्यादा से ज्यादा 8 अंक मिलते हैं, यानी अष्टक वर्ग को भिन्नाष्टक वर्ग भी कहा जाता है। मतलब कहीं भिन्नाष्टक वर्ग लिखा हुआ है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो अष्टक वर्ग ही है। भिन्नाष्टक वर्ग का मतलब है कि भिन्न भिन्न अष्टक वर्ग। तो एक ग्रह को 8 से ज्यादा अंक नहीं मिल सकते, कम ज्यादा मैंने पहले ही बताया कि सॉफ्टवेयर में कहीं रेखाओं से गिनते हैं, कहीं बिंदुओं से गिनते हैं। तो नीचे सॉफ्टवेयर में दिया हुआ होता है कि कितने बिंदु है, कितनी रेखाएं हैं। ये मैं आखिर में सॉफ्टवेयर में भी आपको दिखा दूंगा कि कैसे उसमें दिया हुआ होता है। तो मिनिमम 0 कुछ भी नहीं और मैक्सिमम 8 अंक, और 4 अंक अगर होते हैं तो फल सम होता है, ना अच्छा ना बुरा। अब समझिए ये 8 अंक किसी ग्रह को मिलते कहां से है, किस भाव या राशि में कितने अंक मिले, इसका निर्णय कैसे होता है, कौन सा ग्रह कहां रेखा या अंक प्रदान करता है। हालांकि ये विषय विस्तारित है पर मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा ज्योतिष के नए छात्रों की सहायता के लिए। तो ये कैसे अंक मिलते हैं किसी ग्रह को, इसे मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। 7 ग्रह और लग्न को लेकर अष्टक वर्ग का निर्माण होता है। और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि राहु और केतु को अष्टक वर्ग में नहीं लिया जाता, यानी राहु और केतु का अष्टक वर्ग में कोई स्थान नहीं है। सीधे शब्दों में अगर मैं आपको कहूं तो एक ग्रह में फल देने की शक्ति कितनी है ये अष्टक वर्ग से पता चलता है, मगर अलग अलग ग्रह के भिन्नाष्टक वर्ग में रेखा या बिंदु प्रदान करने का भाव भी अलग अलग होता है। सभी ग्रहों के भिन्नाष्टक वर्ग में निश्चित रेखाएं होती हैं। जैसे सूर्य की 48 रेखाएं हैं, अब घूम फिर कर 12 भावों में यही 48 रेखाएं जो है बट जाती हैं। अब आप कहेंगे 48 क्या, पूरे भावों के वितरण के तौर पे इंडिविजुअली किसी भी ग्रह को 8 से ज्यादा अंक नहीं मिलते, लेकिन वो टोटल जो एक ग्रह का रेखा या बिंदु जो होता है, मतलब इसका आपको आगे ये समझ में आएगा कि सर्वाष्टक वर्ग में इसका मतलब आप समझेंगे। सर्वाष्टक वर्ग भिन्नाष्टक वर्ग से अलग होता है। सर्वाष्टक वर्ग आखिर में इन भिन्नाष्टक वर्गों के अलग अलग ग्रहों के किसी एक भाव को दिए हुए अंक यानी बिंदु या रेखाओं को जोड़कर आखिर में उस भाव का एक सर्वाष्टक वर्ग निकलता है। वो ये बताता है कि किस भाव को कितना पावर मिला है, यानी 8 अंक अगर ग्रह की शक्ति निर्धारित करते हैं तो
भावों को मिली हुई रेखाएं या बिंदु सर्वाष्टक वर्ग में भाव के बल को निर्धारित करते हैं। इसे बड़ी सूक्ष्मता से आपको समझना होगा। आप वीडियो जब तक समझ में ना आए तब तक देख सकते हैं। एक बार में समझ में ना आए, दूसरी बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब सूर्याष्टक वर्ग कैसे बनता है, सूर्य जिस राशि में है वहां कितनी रेखाएं मिली हैं, 8 में से, इसमें सभी ग्रह अपने अपने तरीके से रेखाएं प्रदान करते हैं और सभी ग्रहों का रेखाएं प्रदान करने का तरीका या नियम हर भिन्नाष्टक वर्ग में अलग अलग होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि नियम अलग नहीं होता है, किस भाव को रेखा देनी है इसमें अंतर होता है सिर्फ। यानी सूर्याष्टक वर्ग में एक ग्रह अगर किसी भाव को एक रेखा दे रहा है तो वो चंद्राष्टक वर्ग में हो सकता है उसी भाव को रेखा ना दे रहा हो, ये अंतर होता है। तो चलिए सूर्याष्टक वर्ग कैसे बनता है, मैं कुंडली बनाकर आपको दिखाता हूं और ग्रह उस कुंडली में कहां कहां बैठे होंगे तो कैसे अंक मिलेंगे और कैसे उसका काउंट होगा ये मैं आपको यहां बताता हूं। ध्यान से देखिएगा, यहां उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि सूर्य प्रथम भाव में ही बैठा हुआ है और ये प्रथम वीडियो है और यहां मैं सूर्याष्टक वर्ग के बारे में ही बता रहा हूं, चंद्राष्टक वर्ग के बारे में दूसरे में बताऊंगा और ऐसे करके शनि तक पहुंचूंगा, लग्नाष्टक वर्ग भी आखिर में बताऊंगा। तो कैसे किस भाव को रेखाएं मिलती हैं और इस सूर्य को जो अष्टक वर्ग में हम देखते हैं कि सूर्य को दो रेखाएं मिली हैं या दो बिंदु मिले हैं या छह बिंदु मिले हैं या छह रेखाएं मिली हैं, वो कैसे मिलती हैं, यहाँ स्पष्ट हो जाएगा मैं जब आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये अष्टक वर्ग कैसे बनता है ये समझ लीजिए कि सूर्य मान लीजिए प्रथम भाव में बैठा है, जिस राशि में भी बैठा होता है सूर्य, यहाँ राशि का नाम मैं नहीं लिखूंगा, अब समझ लीजिए सूर्य किसी भी राशि में बैठा हो तो वहां से वो कहां कहां रेखाएं देता है। तो सबसे पहले रेखा तो वो जिस भाव में होता है वही दे देता है, यानी यहां एक रेखा वो दे देगा, इसको आप राशि मत समझिएगा इसको। अच्छा, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहां मैं मिथुन राशि बना देता हूं। तो मान लीजिए मिथुन राशि में यहाँ सूर्य है तो यहाँ सूर्य ने एक रेखा दी, इसको मैं इस तरीके से इंगित कर देता हूं, यहाँ एक रेखा दी, दूसरी रेखा सूर्य दूसरे भाव में देगा, मतलब जहां भी बैठा होगा सूर्य, यहाँ बैठा होगा तो पहली रेखा अपने इसी भाव में देगा, दूसरी रेखा यहाँ देगा, ठीक है ना, इसको इस तरह से समझना है। तीसरी रेखा सूर्य चौथे भाव में देगा, ठीक है, चौथी रेखा सूर्य सातवें भाव में देगा, पांचवी रेखा सूर्य अष्टम भाव में देगा, छठी रेखा सूर्य नवम भाव में देगा और सातवीं रेखा सूर्य दसम भाव में देगा, आठवीं रेखा सूर्य एकादश भाव में देगा। यानी सूर्य ने एक एक रेखाएं इन भावों को प्रदान की, ठीक है, यानी सूर्य के पास 8 ही रेखाएं हैं देने के लिए और ये एक एक रेखाएं उसने सूर्याष्टक वर्ग में इन इन भावों में प्रदान की। अब आप समझ लीजिए कि किसी और अष्टक वर्ग में सूर्य जिस तरह सूर्य ने अपने सूर्याष्टक वर्ग में इन भावों को रेखाएं प्रदान की है, वर्ग में सूर्य इन्हीं भावों को रेखाएं प्रदान नहीं करेगा, माने नंबरिंग सिस्टम जो है ये सिक्वल जो है सेम नहीं होगा, ये मैं उस वक्त यही बता रहा था आपको कि डिफरेंस होगा। तो सूर्य ने एक एक रेखाएं दे दी, सूर्य को यहां खुद को एक रेखा मिली और बाकी इन भावों को एक एक रेखाएं मिली। अब इसको समझने के लिए वीडियो को आपको दोबारा देखना होगा क्योंकि मैं ये रेखाएं सूर्य ने जो दी इन सबको मिटाने जा रहा हूं मैं यहां। अब मैं चंद्र यानी सूर्याष्टक वर्ग में चंद्र जिस राशि में भी होगा वहां से कैसे रेखाएं प्रदान करता है, मान लीजिए यहां चंद्र यहां है, मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्र यहाँ है मान लीजिए, तो चंद्रमा जहां भी होगा जिस राशि में भी होगा वहां से वो रेखा प्रदान करेगा, कैसे देखिए, चंद्रमा पहली रेखा प्रदान करेगा अपने भाव से तीसरे स्थान पे, यानी 1 2 3, चंद्रमा
दूसरी रेखा प्रदान करेगा अपने भाव से, जहां बैठा है वहां से छठे भाव, यानी चंद्रमा यहां से नवम भाव में रेखा प्रदान करेगा, दूसरी रेखा प्रदान करेगा चंद्रमा यहां नवम भाव में, यानी अपने भाव से छठे स्थान पर, तीसरी रेखा चंद्रमा प्रदान करेगा दसम भाव में, यानी अब खुद यहां बैठा है वहां से दसम भाव में, तो कहां देगा वो दसम रेखा, यहां देगा वो लग्न में, ठीक है, यहां देगा। और चंद्रमा जहां बैठा है वहां से एकादश स्थान में एक रेखा प्रदान करेगा। तो अब आपने देखा सूर्य ने अपने आप को एक रेखा यहां दी थी, चंद्रमा ने यहां इसको दूसरी रेखा दे दी, तो सूर्याष्टक वर्ग में अब इसको यूं समझ लीजिए कि सूर्य को दो रेखाएं मिल चुकी हैं यहां। ओके, अब मैं इसको फिर हटा रहा हूं, सूर्य लिखा रहेगा सिर्फ यहां, बाकी के ग्रहों का अंतर अगर मैं एक साथ रेखाएं बनाऊंगा तो सब घचपच हो जाएंगे। मंगल अब कैसे रेखाएं प्रदान करता है ये देखते हैं। चलिए मैं रैंडमली मंगल को दसम भाव में बैठा देता हूं, मार्स, ठीक है, किसी भी राशि में बैठा होगा तो वहां से रेखाएं कैसे देगा। तो मंगल सूर्याष्टक वर्ग में पहली रेखा तो अपने ही भाव में देगा एक, दूसरी रेखा वो अपने से द्वितीय भाव में देगा, तीसरी रेखा वो अपने से चतुर्थ भाव में देगा, एक दो तीन चार। तो अब आप देख रहे हैं सूर्य को यहां तीसरी रेखा मिल गई, यानी सूर्याष्टक वर्ग में सूर्य को तीन रेखाएं यहां ऑलरेडी मिल गई है, ठीक है। यहां दूसरे जो ग्रह है उनको सूर्य ने रेखा दी या नहीं दी, इसमें यहां ये काउंट नहीं होगा, सूर्य को यहां क्या मिल रहा है क्योंकि ये सूर्याष्टक वर्ग है, इसलिए सूर्य को क्या मिल रहा है वो काउंट होगा। चौथी रेखा मंगल सूर्याष्टक वर्ग में देगा अपने से सप्तम भाव को, पांचवी रेखा मंगल देगा अपने भाव से अष्टम भाव को, जहां बैठा हुआ वहां से अष्टम, छठी रेखा वो अपने से नवम भाव में देगा, और सातवीं रेखा अपने से वो दसम भाव में देगा, यानी यहां देगा सप्तम भाव, और आठवीं रेखा मंगल अपने भाव से एकादश भाव में देगा, ठीक है। ये सूर्याष्टक वर्ग का फल है अभी, और बता रहा हूं मैं मंगल के बाद बुध किन किन भावों को रेखाएं प्रदान करेगा। मान लीजिए मरकरी यहां बैठा हुआ है, क्योंकि मैं छात्रों को कंफ्यूज ना हो इसलिए मरकरी को सूर्य के आसपास ही रखूंगा, क्योंकि बुध सूर्य के आगे या पीछे ही रहता है। तो बुध जहां बैठता है सूर्य अष्टक वर्ग में, सूर्य के अष्टक वर्ग में बुध अपनी पहली रेखा देगा जहां बैठा है वहां से तीसरे स्थान पे, दूसरी रेखा बुध देगा अपने से पांचवें स्थान पे यानी छठे भाव में, तीसरी रेखा बुध देगा अपने से छठे स्थान पे यानी सप्तम भाव पे, चौथी रेखा बुध देगा अपने से नवम भाव पे यानी दसम भाव में, पांचवी रेखा अपने से दसम भाव में बुध देगा यानी एकादश भाव में देगा, छठी रेखा बुध अपने से एकादश भाव में देगा यानी द्वादश भाव में देगा, और सातवीं रेखा बुध अपने से द्वादश भाव में देगा यहां। तो अब आप देख रहे हैं सूर्य को यहां चौथी रेखा भी मिल गई, यानी सूर्य को चार रेखाएं मिल गई यहां पर, चंद्र ने भी रेखा प्रदान की, मंगल ने भी रेखा प्रदान की, बुध ने भी यहां रेखा प्रदान की। मैं कोई सुनियोजित तरीके से नहीं रख रहा हूं ग्रह, मुझे यहां सूजरत नहीं रख रहा हूं, हो सकता है अगली बार मैं बृहस्पति को जहां बैठा हूं वहां सूर्य को वो रेखा ना दे। तो यहां आप देख रहे हैं सूर्य को चार रेखाएं यहां प्राप्त हो गई, और ये जो सिक्वेल में बता रहा हूं ना सूर्याष्टक वर्ग में इन्हीं भावों को ये रेखाएं प्रदान करेंगे, ये आपके लिए पूरी तरह से सीखने का विषय है। इसको ध्यान से देखेंगे तो आप अष्टक वर्ग बनाना सीख जाएंगे बिना सॉफ्टवेयर की मदद से भी। बृहस्पति मान लीजिए थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो अब बृहस्पति कहां कहां दृष्टि देगा देखिए सूर्याष्टक वर्ग में। बृहस्पति अपनी पहली दृष्टि देगा जहां बैठा हुआ है वहां से पंचम भाव में,
एक दो तीन चार पांच, यानी पांचवी दृष्टि यहां सप्तम भाव पे पड़ेगी। बृहस्पति अपनी दूसरी दृष्टि देगा छठे भाव से अपने जहां बैठा हुआ है, तो अष्टम भाव में वो दृष्टि देगा। तीसरी दृष्टि बृहस्पति देगा अपने से नवम भाव में, तो नवम भाव क्या होगा, सात आठ नौ, यानी एकादश भाव पे दृष्टि देगा। और चौथी दृष्टि बृहस्पति देगा अपने से एकादश भाव में। वह बृहस्पति भी यहां सूर्य को एक दृष्टि या मतलब ये रेखा प्रदान करेगा, सॉरी मैं यहाँ दृष्टि बोल गया, शायद दृष्टि नहीं, ये रेखा प्रदान करेगा। तो क्योंकि हम ग्रहों की दृष्टियों की ही बात करते हैं ज्यादातर, तो ये मिस्टेक हो जाती है, कहीं भी मैं दृष्टि बोल दूं तो उसको रेखा ही समझिएगा आप लोग। मैं इसको रीशूट नहीं कर रहा, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए सूर्य को यहाँ पांच रेखाएं मिल गई, तो सूर्य अब बलशाली हो गया अष्टक वर्ग में, ये समझ लीजिए। अभी भी शुक्र बाकी है, तो शुक्र मान लीजिए, शुक्र को भी तो सूर्य के आसपास रहना होगा, तो शुक्र मान लीजिए द्वादश भाव में बैठा हुआ है। तो शुक्र द्वादश भाव से कहां कहां रेखा प्रदान करेगा? शुक्र द्वादश भाव से रेखा प्रदान करेगा पहली रेखा अपने से छठे स्थान पे, दूसरी रेखा प्रदान करेगा अपने से सप्तम भाव पे, और तीसरी रेखा प्रदान करेगा विनश अपने से द्वादश भाव में। ये देखिए शुक्र ने सूर्य को, सूर्याष्टक वर्ग में शुक्र ने सूर्य को यहां कोई रेखा प्रदान नहीं की अपनी स्थिति के अनुसार। अब चूंकि शुक्र और शुक्र की स्थिति यूं ही होती होगी, तो क्योंकि बहुत ज्यादा शुक्र यहां हो सकता है या यहां हो सकता है, तो शुक्र अगर यहां होगा तो सूर्य को रेखा प्रदान करेगा, लेकिन शुक्र अगर सूर्य से पीछे होगा तो सूर्याष्टक वर्ग में सूर्य को रेखा प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, शुक्र की छठी रेखा सप्तम रेखा तो सूर्य को मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि शुक्र ने इतनी दूर सूर्य से जाना ही नहीं है। सूर्य बहुत ज्यादा दूर हो सकता है तो सूर्य यहां हो सकता है, सूर्य से एक घर पीछे या सूर्य से एक घर आगे शुक्र कभी कभी चला जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं शुक्र के बाद शनि देव कितनी रेखा देते हैं। चलो शनि को हम यहाँ दशम भाव में लेकर देखते हैं कि क्या इसकी स्थिति है। मैं रैंडम बैठा दे रहा हूं, ठीक है ना, अब आप देख लीजिए इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो शनि दशम भाव में अगर बैठा होगा, आप समझ लीजिए ये कहीं भी बैठा हो सकता है, वहीं से वो अपने हिसाब से रेखा प्रदान करेगा। यानी शनि यहां बैठा है तो पहली रेखा वो सूर्याष्टक वर्ग में जहां बैठा है वो उसी भाव को देगा, यानी पहली रेखा वो प्रथम भाव को ही देगा। तो कहीं भी बैठा होगा तो पहली रेखा अपने आप को देगा शनि सूर्याष्टक वर्ग में। दूसरी रेखा शनि प्रदान करेगा अपने से द्वितीय भाव में। तीसरी रेखा शनि प्रदान करेगा अपने से चतुर्थ भाव में। तो देखिए सूर्य को शनि ने भी यहाँ एक रेखा दे दी, तो सूर्य और ज्यादा मजबूत हो गया, पांच रेखाएं सूर्य को मिल गई यहाँ पर, तो सूर्य काफी बलशाली यहाँ इस उदाहरण कुंडली में बनता जा रहा है। चौथी रेखा शनि ने देनी है अपने से सप्तम भाव को, ठीक है। पांचवी रेखा शनि ने देनी है अपने से अष्टम भाव को। छठी रेखा शनि ने देनी है अपने से नवम भाव को। और सातवीं रेखा शनि ने देनी है अपने से दशम भाव को। और आठवीं रेखा शनि ने देनी है अपने से एकादश भाव को। तो सूर्याष्टक वर्ग में शनि ने इन इन भावों को अपनी रेखाएं देनी है। अब आप ये समझिए कि ये जितने भी ग्रह जिन जिन भावों में रेखाएं दे रहे हैं वो भी काउंट होता चला जाएगा। यहां मैं लिख नहीं रहा हूं, बहुत ज्यादा फैलाव के वजह से, और समझने के लिए समझाने के लिए किसी दूसरी वीडियो में हो सकता है मैं लिख के भी दिखा दूं, यहाँ एक बिंदु बना, यहाँ एक रेखा बनी, दो रेखा बनी। तो ये जो हर ग्रह रेखाएं दे रहा है ना, तो ये सूर्याष्टक वर्ग का ये काउंट होगा, क्योंकि हर भाव में ग्रह जो रेखाएं दे रहे हैं वो भी काउंट होगा। जैसे इस भाव में अभी तक चार पांच रेखाएं आ चुकी होंगी,
इस भाव में भी आ चुकी होंगी चार पांच। तो सूर्याष्टक वर्ग जब बनेगा तो टोटल वो हर भाव में, किसी में यहाँ जैसे छह रेखाएं मिल गई, तो किसी में दो, किसी में चार, किसी में पांच, किसी में छह। सूर्याष्टक वर्ग आप देखते हैं ना कि सूर्याष्टक वर्ग जब आपने खोलते हैं सॉफ्टवेयर में तो हर भाव में कुछ ना कुछ रेखाएं होती हैं। अब समझ लीजिए आठ से ज्यादा नहीं होता है, मैंने अष्टक वर्ग में आठ से ज्यादा अंक किसी भी भाव में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब सिर्फ ग्रह ही नहीं लग्न भी रेखाएं प्रदान करता है। तो ये सूर्याष्टक वर्ग में लग्न अपने स्थान से, यानी ये लग्न प्रथम लग्न अपने स्थान से तृतीय स्थान को एक रेखा प्रदान करती है, दूसरी रेखा अपने से चौथे स्थान पर प्रदान करती है, तीसरी रेखा अपने से छठे स्थान को ये लग्न देती है, चौथी रेखा लग्न अपने स्थान से दशम भाव को देती है, पांचवी रेखा अपने स्थान से एकादश भाव को लग्न देती है, और छठी रेखा अपने से द्वादश स्थान को देती है। यानी लग्न अपने आप को कोई रेखा यहाँ नहीं दे रही, इसलिए सूर्य की, यानी सूर्य को यहाँ छह रेखाएं ही मिली टोटल। ये एग्जाम्पल के तौर पे जो मैं आपको बता रहा था या बता रहा हूं। अब एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि अगर सूर्य को यहाँ आठ रेखाएं मिल जाती, ग्रहों को मैं इस स्थिति में बैठाता अगर, तो सूर्य बहुत ज्यादा बलशाली हो जाता। गोचर में भी अष्टक वर्ग का यहाँ एक मजेदार फल और भी है कि मान लीजिए जन्मकालीन तो सूर्य को यहाँ छह रेखाएं मिली हैं और जन्मकालीन मिथुन राशि में सूर्य है, लेकिन अभी जैसे इस वक्त सूर्य मेष में गोचर करेंगे तो मेष राशि में मान लीजिए सूर्य को सर्वाष्टक वर्ग में, मैंने सॉरी सूर्य को अपने अष्टक वर्ग में यहाँ आठ रेखाएं मिली हुई है, तो सूर्य जब अपनी उस राशि में विचरण करेगा जहां सूर्य को उस राशि में आठ रेखाएं मिली हुई हैं, तो सूर्य बहुत अच्छा फल करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए गोचर में सूर्य सप्तम यानी कि तुला राशि में विचरण कर रहा है और सूर्याष्टक वर्ग में सप्तम भाव में आठ रेखाएं मिली हैं, तो सूर्य यहां नीच का होते हुए भी शक्तिशाली कहलाएगा। और मेष राशि में अगर एक दो रेखाएं हैं या जीरो मिल गए, हो सकता है ऐसा होता है किसी किसी भाव को एक भी रेखा नहीं मिली, तो सूर्य अगर मेष राशि में एक भी रेखा प्राप्त करने में असफल हो जाएगा तो उच्च का सूर्य भी गोचर में उतना अच्छा फल आपको नहीं देगा जितना महीने का जो सूर्य का ट्रांजिट का फल हम बता देते हैं, अच्छा बुरा जो भी, उसमें कमी बेसी आ जाती है, ठीक है। तो ये था सूर्याष्टक वर्ग का फल। मैं चंद्राष्टक वर्ग में उदाहरण के लिए किस भाव को कितनी रेखाएं प्रदान हुई ग्रहों की वजह से वो भी लिख कर बताने की कोशिश करूंगा, अगर घचपच नहीं हो रही होगी चीजें तो, ठीक है ना। तो इजाजत दीजिए मुझे, मुझे आशा है ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लगेगी और अष्टक वर्ग को सीखने समझने के इच्छुक लोग इससे लाभान्वित होंगे। और मेरा ये सीरीज भी कॉमन क्रिएटिव में ही जाएगा, चिंता की कोई जरूरत नहीं है, कोई कॉपीराइट इशू मेरी तरफ से नहीं है। आप सीखिए, सिखाइए, इस्तेमाल कीजिए, नॉलेज को स्प्रेड कीजिए। इजाजत दीजिए मुझे, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। और जो दोस्त जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरी हौसला अफजाई करते हैं, उन सबका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।